तो हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास को जानने से पहले हमको मानव के इतिहास की बात करनी पड़ेगी। और एक बात आती है कि मानव का आज जो ये रूप है, होमो सेपियंस सेपियंस जिसको कहा जाता है, वो रूप इस तरह से कैसे आया। आप लोगों ने सबने सुना है कि मानव का जो जन्म है वो कहते हैं कि बंदर से हुआ है, लेकिन ये टेक्निकली सही नहीं है। मानव का विकास कपी से हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मानव का क्रमिक विकास है, फिजिकल विकास है, जिसको हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। आज पूरी दुनिया में ये मान्यता है कि मानव की जो मूल माँ है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। ये वो मानव है जिसमें कपी के लक्षण भी हैं, जिसमें मानव के लक्षण भी हैं। तो ये सबसे पहले ये हमको अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस आते हैं। होमो इरेक्टस मतलब जो मानव सीधा खड़ा हो गया। और उसके बाद आता है नियंडरथल मानव जो कि यूरोप में आया। और लास्ट में है होमो सेपियंस। ये आपको मैं एक ये फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ। ऐसी मान्यता है कि अफ्रीका से ही मानव आया। ये मानव की यात्राएं देख सकते हैं आप किस तरह से। वैसे ये पॉइंट गलत दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे तंजानिया के पास में है। और ये मानव का विकास होते होते वो एशिया की तरफ आया, यूरोप की तरफ चला गया। और ये मानव का क्रमिक विकास हुआ है। अभी हाल के वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में जीन के अध्ययन हुए, जीनोम स्टडी। उस जीनोम स्टडी के आधार पर भी अब यही कहा जा रहा है कि जो मानव की मूल माँ है वो माँ, उसका विकास यहाँ से हुआ, अफ्रीका से हुआ है। और उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस। और इस तरह से पूरी दुनिया में मानव फैला। उससे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जीव हुआ करते थे। डायनासोर का अपना पूरा 13 करोड़ 14 करोड़ सालों तक यहाँ प्रभुत्व रहा। उस समय मानव नहीं था। धीरे धीरे इसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। और एक चीज़ और आती है कि मानव जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे उसकी क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती चली गई, यानी उसका जो करोटी धारिता है वो बढ़ती चली गई। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि मानव में धीरे धीरे बौद्धिक कौशल विकसित हुआ है। और दो ये मानव हैं जो कि भारत से प्राप्त हुए हैं, एक को हम ब्रह्मापिथिकस कहते हैं और एक को हम शिवापिथिकस कहते हैं। और एक मानव ऐसा है जिसको हम नर्मदा का मानव कहते हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ये तीन मानव जो हैं वो इंडिया में प्राप्त हुए हैं। जब हम इंडिया में और राजस्थान में बात करते हैं स्टोन एज की, पाषाण युग, उस पाषाण युग को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहले को हम प्लियोलिथिक काल कहते हैं यानी कि पुरापाषाण काल, दूसरे को मीजोलिथिक काल कहते हैं यानी कि मध्य पाषाण काल, और तीसरे को हम नियोलिथिक काल कहते हैं यानी कि नवपाषाण काल। और जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में चाहे वो बनास नदी का किनारा हो, बनास नदी है, बिड़च नदी है, लूनी नदी है, इन नदियों के आसपास में और कुछ इंटीरियर क्षेत्रों में इसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। तो मानव ने पाषाण, इसमें स्टोन एज लिखा हुआ है यानी पत्थर, पाषाण का प्रयोग हुआ। और पाषाण के कई तरह के टूल्स बने, जैसे हम चॉपर चॉपिंग उपकरण कहते हैं, जैसे हम गंडासा एवं खंडक उपकरण कहते हैं, विदारणी कहते हैं, कुल्हाड़े कहते हैं, हस्तकुल्हाड़ी, ये सब पत्थर के बने हुए, क्योंकि इस काल में पूरे पत्थर के प्रयोग हुए हैं, इसलिए इस पूरे काल को पाषाण काल कहा गया। ये मीजोलिथिक काल, जब हम प्लियोलिथिक काल की बात करते हैं, पुरापाषाण काल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो जैसे लोनी बेसिन है या इसके आसपास में बूढ़ा पुष्कर है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियाँ विकसित हुई। जब हम मीजोलिथिक काल की बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण साइट राजस्थान में बागौर है। इसी बागौर से पहली बार अपने को जो झोपड़ियों के प्रमाण हैं, रहने के प्रमाण हैं, पशुपालन के प्रमाण हैं, ये राजस्थान से मिले हैं। ये पूरे इंडिया के इतिहास में पूरा अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट फीचर बनता है। ये आप देख सकते हैं, मानव का एक कल्पनात्मक चित्र लिया गया है किस तरह से मानव रहा होगा पुरापाषाण काल में। और उसने लास्ट स्टेज में देखिए किस तरह से, आप देख रहे होंगे कि कपड़ा पहनने के लिए जानवर की जो खालें थी इनका प्रयोग वो करने लगा। ये मूल रूप से इस रूप में है प्लियोलिथिक काल। ये आप एक मैप देख रहे होंगे इंडिया का, इसमें ये सारा प्लियोलिथिक काल है। ये सोन संस्कृति है और मद्रास संस्कृति है। इसके अलावा नर्मदा के किनारे, शिवालिक के किनारे, इन जगहों पर मानव का विकास हुआ है। राजस्थान में इसमें लूनी नदी के किनारे, बेडच नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे इस सभ्यता का मानव ने विकास किया।
और ये इसके टूल्स हैं, चॉपर चॉपिंग मैंने आपको बताया, गंडासा खंडक उपकरण है, हैंडेक्स मतलब कुलाड़ा है, और क्लीवर एक तरह का पत्थर उपकरण है। ये यहाँ पर यूरोप की संस्कृतियों की तुलना भी इससे की जाती है, जैसे एशुलियन संस्कृति है, एबिलियन संस्कृति है, लेबोशियन संस्कृति है, मस्चूरियन संस्कृति है, ये यूरोप की संस्कृतियाँ हैं। इनके पत्थरों के उपकरणों की तुलना इंडिया और राजस्थान के इन स्थलों से की जाती है, इसलिए इनको पढ़ना ASI या आर्कियोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं पुरापाषाण काल के अंतिम चरण है, ये किस तरह से फूड गैदरिंग हो रही है, किस तरह से टूल्स निर्माण हो रहा है, पत्थर के उपकरण बनाए जा रहे हैं। उच्च पुरापाषाण काल के समय से अग्नि आ गई थी, आग का वो लोग कैसे प्रयोग करते थे इस बारे में अभी मतांतर हैं, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, और मीजोलिथिक काल इसके तुरंत बाद प्रारंभ होता है। ये सारे उस पीरियड के हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी किस तरह से नोमेडिक लाइफ, यानी कि एक तरह की घुमंतु जीवन हुआ करता था, ये प्लियोलिथिक लाइफस्टाइल है। ये हमारा पूर्वज है जो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से वो मानव है जहाँ से भारतीय मानव की उत्पत्ति हुई है। ये इसके प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैं पूरे इंडिया में, आज तो लगभग सभी जगहों से प्राप्त हो चुके हैं। और इसमें जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के, जैसे मैं लूनी नदी के आसपास, बेडस नदी के आसपास, गंभीरी नदी के आसपास ये एरियाज आपको पहले बता चुका हूँ, और वर्तमान में तो ये हमारा नीम का थाना है, कोटपुतली है, बैराट है, इन जगहों से भी पाषाण काल के हमें उदाहरण मिल रहे हैं। ये टूल्स हैं, ये मीज़ोलिथिक कल्चर की एक खास बात यह है कि मध्य पाषाण काल इसमें छोटे उपकरण बनने लगे जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, इसीलिए इसको मिडिल स्टोन एज भी कहा गया। और इस काल में आप देख रहे हैं कि झोपड़ी बनाने के प्रमाण मिल रहे हैं, पशुपालन के प्रमाण मिल रहे हैं, ये हमारे राजस्थान के भागौर से इस तरह के प्रमाण हैं। ये कल्पनात्मक चित्र है कि किस, देखिए यहाँ पर ये झोपड़ियाँ बन रही हैं, ये लोग उपकरण बना रहे हैं, नाव बना रहे हैं, यानी कि उन्होंने इस तरह की गतिविधियाँ शुरू कर दी थी जो आर्थिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से हैं। ये पत्थरों के उपकरण हैं जो बना रहे हैं, और ये भारत के सभी भागों से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं एक उपकरण बनाने का चित्र है, ये पशुपालन के साथ साथ जंगल से आप किसी तरह का कोई पशु लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर पकाने की प्रक्रिया किस प्रकार से थी इस बारे में मतांतर है, लेकिन पकने का प्रोसेस भी शुरू हुआ। हाँ, ध्यान रखिएगा कि अभी तक कोई एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुई, और अगर है भी तो वो टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर हुआ करती थी। मध्यकाल, मध्य पाषाण काल की एक बात यह आती है कि इस काल में रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। भीमबेटका इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब तो राजस्थान में भी बहुत सी जगहों से, यहाँ हमारे पास में कोटपुतली है, चाहे नीमका थाना है, इन जगहों पर कुछ गांव मिले हैं जहाँ पर इस तरह के भीमबेटका टाइप के हमें पशु चित्र मिले हैं, शिकार चित्र मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेजोलिथिक साइट्स हैं, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक काल यानी कि नवपाषाण काल, इसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ पर घर तो बनने लगे, गांव पहली बार बनना शुरू हुआ। और आप पिक्चर से देख रहे होंगे, ये जो जानवर हैं इनसे खेती हो रही है, और इसके अलावा लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है, खेती है, खलियान है, आप देख रहे होंगे पूरी एक ग्रामीण बस्ती बनती हुई हमको दिखाई दे रही है। ये नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। ये भारत के बहुत से भाग हैं जहाँ से इस तरह के हमें नवपाषाण काल के उदाहरण हमें मिलते हैं, और धीरे धीरे नवपाषाण काल का यही जो काल है हम रूपांतरित होता हुआ देखते हैं स्टोन एज से ताम्रपाषाणिक काल में। ताम्रपाषाणिक मतलब जहाँ तांबा भी है और पत्थर भी है। ऐसे राजस्थान में दो उदाहरण प्रमुख हैं, एक को हम गणेश्वर संस्कृति कहते हैं और दूसरे को हम आहार संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस मामले में पुरातत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, इसलिए पुरातत्व के हिसाब से इसको हमें निकालना है। थैंक यू, धन्यवाद।